नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RGHS कार्ड के बारे में। RGHS कार्ड में आपके अगर आप अपने लिमिट चेक करते हैं, आपका बैलेंस चेक करते हैं, तो आपके अगर एज पर रूल्स एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है तो इससे क्या तात्पर्य है। इसके अलावा अगर आप एक से ज्यादा राज्य कर्मचारी हैं, पति पत्नी राज्य कर्मचारी हैं, तो आपके दोनों के अनिवार्य रूप से वेतन से कटौती होगी अथवा आपके एक की कटौती करवानी है। क्या अब सभी राज्य कर्मचारियों के लिए RGHS अनिवार्य कर दिया गया है? इन सभी की जानकारी के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं RGHS कार्ड लिमिट ट्रैकर में। अगर आप अपने लिमिट चेक करते हैं तो आपको अगर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आप अपना OPD का करंट बैलेंस चेक करते हैं तो आपको उसमें एज पर रूल्स एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे तात्पर्य है कि अब आपके 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारी और 1/1/2004 से पूर्व के नियुक्त कर्मचारी सभी के इस तरीके का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। इससे तात्पर्य यह है कि अब आपकी जो लिमिट है वो अनलिमिटेड कर दी गई है। आप बिना किसी लिमिट के अपना ट्रीटमेंट OPD में या IPD में किसी भी RGHS रिलेटेड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है हमारा, अगर एक या एक से अधिक राज्य कर्मचारी एक RGHS कार्ड में है या फिर पति पत्नी दोनों राज्य कर्मचारी है और आपने इससे पहले किसी एक के वेतन से RGHS की कटौती करवा रखी थी, तो अब आपके OPS प्रारंभ होने के बाद सभी राज्य कर्मचारियों को RGHS की नई स्लिप से वेतन से कटौती करवाना अनिवार्य है। अब RGHS किसी भी कर्मचारी के लिए ऑप्शनल नहीं रह गया है। अब RGHS पूर्व कर्मचारियों की भांति अनिवार्य कर दिया गया है। और साथियों, RGHS से संबंधित प्रत्येक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप किस प्रकार से अपने RGHS में संशोधन करेंगे, आपकी कोई भी डिटेल आपको अपडेट करनी है, आपके जनाधार में आप घर बैठे अपनी सभी डिटेल को कैसे अपडेट करेंगे, इन सबसे रिलेटेड वीडियोज मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। इन सभी से संबंधित वीडियोज का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मां भारती।